ऑर्डर एंड रैंकिंग एक ऐसा चैप्टर जिस जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो ये जो चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये रेडी करना, इसको प्रिपेयर करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, जेई की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या बैंक की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में इससे एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें दो अलग अलग पार्ट है, एक ऑर्डर है और एक क्या है, एक है रैंकिंग। ठीक है, ये दो पार्ट हो गए। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को ट्रिक के थ्रू भी हम इसमें देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर अब तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो जो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड तक देखिएगा, जिससे हम जो भी क्वेश्चंस इसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो आपको डायरेक्ट मैं बता दूंगी लेकिन कुछ जो कॉन्सेप्ट होंगे वो आपके क्वेश्चन से ही क्लियर होंगे। तो एंड तक देखिएगा जिससे आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अगर हम किसकी बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर की जो बात करते हैं उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको पता है एग्जाम होता है, एग्जाम में सबके अलग 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 मार्क्स आते हैं, कोई फर्स्ट पे आएगा पोजीशन पे, कोई सेकंड पे, कोई थर्ड पे और कोई लास्ट पे। अगर हम उनको क्या करें, उनको एक रैंक में, उसको जो ऑर्डर है उसको एक ऑर्डर में लगाएं तो वही क्या कहलाता है, ऑर्डर। या इसमें आप मार्क्स ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, वेट ले लीजिए, एज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए क्या है, बी से लंबा है, ठीक है, बी क्या है, सी से लंबा है, जबकि डी से छोटा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ए क्या है, बी से लंबा, आपको दो साइन पता होंगे, एक ग्रेटर देन और एक लेस देन, और कभी कभी इसमें इक्वल्स टू का भी यूज हो जाता है, लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो इन दो साइन का होता है। ए इज ग्रेटर देन, ए क्या है, बी से लंबा है, तो ए क्या हुआ, ए लंबा हो गया, किससे हो गया, बी से लंबा हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, बी सी से लंबा है, क्या दिया हुआ है, बी जो है सी से लंबा है। अब देखिए बी है, बी क्या है, सी से लंबा हो गया, ठीक है। आगे क्या देखिए, जबकि डी से छोटा है, मतलब बी जो है सी से तो लंबा है, देखिए इसको अगर हम अलग ड्रॉ करें, बी क्या है, सी से लंबा है, लेकिन जबकि क्या है, डी से छोटा है, तो ये जो बी है ये क्या होगा, डी से छोटा, ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पर D को अगर हम अरेंज करें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें A और D के बीच का रिलेशन नहीं पता, देखिए ऐसे आ जाएगा हमारा। अब जो B, A है वो B से, A जो है वो D से लंबा भी हो सकता है और छोटा भी, दोनों केस हमारे पॉसिबल है इसमें। तो आगे हम इसमें एक और लाइन अगर ऐड कर दें, A क्या है, सबसे लंबा है, इसमें हमने क्या लाइन ऐड कर दी, ए सबसे लंबा है। अब देखिए अगर ये ए सबसे लंबा हो गया तो जो डी है ये कहाँ आएगा, डी आएगा हमारा ए और बी के बीच में, क्योंकि ए सबसे लंबा हो गया, ए का तो प्लेस फिक्स हो गया, ये कितने हैं, पांच। अब देखिए सी से लंबा बी है और बी से लंबा हमारा क्या है, डी है, तो ये हमारा ऐसे क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा, हमने इसको ऑर्डर में प्लेस कर दिया। अब हमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो पूछेगा सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा बताइए कौन है, ए, वो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है सी, हमसे ये भी पूछ सकता है सेकंड नंबर पर, मतलब सेकंड लार्जेस्ट कौन है इसमें, वो कौन है, डी, मतलब दूसरा सबसे लंबा वो कौन है, डी, दूसरा सबसे छोटा भी पूछ सकता है वो कौन है, वो है डी, ठीक है। इसमें हमारा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए दो से तीन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं।
क्या क्या हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होगा, आप वहां से पढ़िए। बाइलिंगुअल है क्वेश्चन भी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में गिवन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, श्रीनी अनलू से लंबी है, रघु चंद्रू से लंबा है लेकिन बिंद्रा से छोटा है। श्रीनी चंद्रू से छोटी है, सबसे लंबा कौन है? इसमें हमें क्या बताना है, जो सबसे लंबा है वो कौन है? तो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है वैसे वैसे हम इसमें जो स्टेटमेंट है वो लिखते हैं। श्रीनी अन्नू से लंबी है, देखिए श्रीनी क्या है, लंबी है, किससे? अन्नू से। ओके ठीक है, आगे देखिए रघु चंद्रू से लंबा है। अब देखिए चंद्रू इसमें और ना रघु है और ना चंद्रू है, तो हम इसको अलग से लिख लेते हैं। रघु क्या है, लंबा है, किससे? चंद्रू से। ठीक है, रघु क्या हो गया, लंबा हो गया चंद्रू से। आगे देखिए क्या है, लेकिन बिंद्रा से छोटा है। अब देखिए रघु जो है चंद्रू से तो लंबा हो गया, लेकिन बिंद्रा से क्या हो गया, ये बिंद्रा से छोटा हो गया, हमने ये लिख लिया। अभी तक इन दोनों में कोई सेम नहीं है, लास्ट में हम इसको कंबाइन करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, श्रीनी चंद्रू से छोटी है, ये जो श्रीनी है ये क्या है, छोटी है, किससे? चंद्रू से। देखिए चंद्रू से क्या हो गया, छोटी, मतलब चंद्रू लंबा हो गया और श्रीनी छोटी। अब अगर हम इस लाइन को यहाँ से कंबाइन कर दे, देखिए यहाँ पर हमारा रघु आ जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर बिंद्रा। ठीक है, यहाँ पर बिंद्रा, रघु, चंद्रू, फिर श्रीनी, फिर अन्नू। अगर हम इस लाइन में बताना हो सबसे लंबा कौन है, तो आप बताइए सबसे लंबा कौन है इनमें, सबसे लंबा है बिंद्रा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, श्रीनी, रघु, चंद्रू, बिंद्रा, तो सबसे लंबा है हमारा बिंद्रा, यानी जो ऑप्शन फोर्थ है ये हमारा करेक्ट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रीति ने राहुल से ज्यादा स्कोर किया। अब इसमें यहाँ पर स्कोर किस बताना है, स्कोर के बेस पर ये क्वेश्चन है कि किसने कितना स्कोर किया। प्रीति ने राहुल से ज्यादा स्कोर किया, यमुना ने दिव्या जितना ही स्कोर किया, लोकिना ने मंजू से कम स्कोर किया, राहुल ने यमुना से ज्यादा स्कोर किया, मंजू ने दिव्या से कम स्कोर किया, किसने सबसे कम स्कोर किया? हमें ये बताना है सबसे कम स्कोर किसने किया। देखिए ऑप्शंस क्या है, राहुल, मंजू, यमुना और लोकिना, ये ऑप्शन है। चलिए अब क्वेश्चन को अपना सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रीति ने राहुल से ज्यादा स्कोर किया, प्रीति ने किससे ज्यादा स्कोर किया, प्रीति ने ज्यादा किया किससे, राहुल से। ठीक है, यमुना ने दिव्या जितना ही, यमुना और दिव्या ने सेम स्कोर किया। ठीक है, यमुना और दिव्या इन्होंने क्या किया, सेम स्कोर किया। लोकिना ने मंजू से कम स्कोर, अब जो लोकिना है उसने मंजू से कम किया, देखिए लोकिना है उसने कम किया किससे, किसने कम किया, मंजू से। अभी यहाँ पर हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, राहुल ने यमुना से ज्यादा किया, राहुल है, राहुल ने किससे ज्यादा किया, क्या दिया हुआ है, यमुना से, राहुल ने यमुना से ज्यादा स्कोर किया। ठीक है, हमें ये पता चल गया। मंजू ने दिव्या से कम किया, अब देखिए यमुना यहाँ पर है तो इसके बराबर में कौन आ जाएगी, इसका और दिव्या का इक्वल है स्कोर। ठीक है, दोनों का स्कोर क्या है, यहाँ पर इक्वल है, हमें दिया हुआ है तो हम इसको ये काट देंगे, मतलब हमने ये लिख लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है, मंजू ने दिव्या से कम स्कोर किया, अब देखिए जो मंजू है, मंजू ने क्या किया, दिव्या से कम किया, दिव्या ने ज्यादा किया और मंजू ने कम किया। अब जो ये वाली यहाँ से लाइन हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी, देखिए यहाँ पर ये लाइन क्या हो जाएगी, ओ सॉरी ये मिट गया, दोबारा देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, दिव्या ने क्या किया, दिव्या ने ज्यादा स्कोर किया किससे, मंजू से। इसको दोबारा लिख लेते हैं लाइन को, प्रीति, राहुल, यमुना, दिव्या, दिव्या ने क्या किया, मंजू से, मंजू ने दिव्या से ज्यादा किया, मंजू ने दिव्या से कम स्कोर किया। ठीक है, अब देखिए मंजू से रिलेटेड हमारी लाइन कौन सी थी, लोकिना ने मंजू से कम स्कोर किया, अब देखिए लोकिना ने मंजू से कम किया, यहाँ पर लोकिना आ जाएगी,
और कौन बचता है इसमें, और तो हमारा सब हो गया, हमें इसमें क्या बताना है, लोकिना से रिलेटेड कोई और सेंटेंस हमारा इसमें गिवन नहीं है, मंजू से रिलेटेड भी नहीं है, हमें बताना है सबसे कम स्कोर किसने किया, सबसे कम किसने किया, लोकिना ने किया, लोकिना ने किया ना सबसे कम, तो इसका आंसर क्या होगा, लोकिना कौन सा ऑप्शन सही है, राहुल, मंजू, यमुना या लोकिना, जो ऑप्शन फोर्थ है यमुना, ये हमारा करेक्ट है। इसमें हमें जैसे जैसे सेंटेंस गिवन होगा वैसे वैसे हमें ड्रॉ करना है, अपना माइंड यूज नहीं करना है, मतलब माइंड तो लगाएंगे ही बट एक्स्ट्रा माइंड आपका यूज नहीं होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन में दिया है आपको वैसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है, करना मलिक से लंबा है, देव कृष से छोटा है, जबकि कृष जो है मलिक से लंबा है, वीणा कृष से छोटी है लेकिन मलिक से लंबी है, और देव वीणा से लंबा है, सबसे छोटा कौन है, हमें ये बताना है, क्या बताना है, सबसे छोटा कौन है। देखिए करना क्या है, मलिक से लंबा है, ठीक है, हमने लिख लिया करना क्या है, मलिक से लंबा है, ठीक है, देव कृष से छोटा है, देव क्या है, देव छोटा है किससे, कृष से, जो जो सेंटेंस गिवन है वो आप लिखते जाइए, जबकि कृष क्या है, मलिक से लंबा है, कृष क्या है, लंबा है मलिक से, अब देखिए मलिक से लंबा है कृष, कृष क्या है, लंबा है मलिक से, अगर हम यहां लगाएंगे तो देव और कृष के बीच में भी आ सकता है, देव से छोटा भी आ सकता है, कृष लंबा है मलिक से, देखिए मलिक यहां पर है, मलिक क्या है, अगर यहाँ पर हम इसको अटैच करें, मलिक से लंबा है कौन, कृष, तो मलिक जो कृष है हमारा इन दोनों के बीच में भी आ सकता है और कृष हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो अभी हम इसको अलग से लिख लेते हैं, कृष क्या है, किससे लंबा है, मलिक से लंबा है, ठीक है, अभी हम इसको सेपरेट ही लिख लेते हैं जब तक हमें नहीं कोई क्लू मिलता, वीणा कृष से छोटी है, वीणा जो है क्या है, कृष से छोटी, अब देखिए यहाँ पर फिर वीणा क्या हो गई, छोटी हो गई कृष से, कृष पर ही घूम रहे हैं सेंटेंस, वीणा कृष से छोटी है लेकिन मलिक से लंबी है, लेकिन क्या है, मलिक से यहाँ पर वो लंबी है, ठीक है, ये सारे सेंटेंस हमने लिख लिए, आगे देखिए, और जो देव है वीणा से लंबा है, देव क्या है, वीणा से लंबा, देखिए देव आ गया यहाँ पर, वीणा आ गई, देव वीणा से लंबा हो गया, सॉरी वीणा, वीणा से लंबा है, देखिए वीणा से लंबा कौन है, कृष, वीणा से लंबा कृष, यहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है, ये हट जाएगा, अब देखिए कृष से लंबा कौन है, कृष से लंबा मलिक है, कृष से लंबा कौन है, यहाँ पर देखिए मलिक है, ये तो सेंटेंस हमारा गड़बड़ हो गया, लेकिन मलिक से लंबी है, मलिक से लंबी है वीणा, देखिए यहाँ पर जो हमारा गिवन था वो क्या था, वीणा जो है वो कृष से लंबी है लेकिन मलिक से क्या है, मलिक से छोटी है, यहाँ पर वीणा की बात हो रही थी, हम कंफ्यूज हो गए, तो देखिए वीणा मलिक, वीणा यहाँ आ जाएगी और मलिक कहाँ आ जाएगा, मलिक हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो ये वाला सेंटेंस हमारा कट जाएगा, अब देखिए कृष क्या हो गया, मलिक से लंबा, मलिक से लंबा कौन है, करना, अब हमें नहीं पता मलिक से लंबा करना है, करना कहाँ पर आएगा, हमें नहीं पता करना कहाँ पर आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन है, मलिक से तो लंबा ही होगा, मलिक से तो लंबा ही है करना, तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है मलिक, सबसे छोटा पूछा है वो कौन है, मलिक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता सबसे लंबा कौन है, तब यहाँ पर हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त है, क्योंकि करना सबसे लंबा भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, हमें इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो अभी हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है मलिक, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है वो क्या है, देव, करना, वीणा और मलिक, आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ मलिक, ये हमारे हमने किसके क्वेश्चन देखे, जो हमारा चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, उसमें जो ऑर्डर है उसके हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे कि कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंकिंग की,
अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रैंकिंग की। हमने ऑर्डर की बात कर ली, यहाँ पर हमने ऑर्डर से इनको लगाया जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी। अब हम अगर रैंक की बात करें, ऑर्डर में तो हमने लगा दिया, लेकिन अगर हम रैंक करें इसमें क्या दिया होगा आपको, 17th रैंक पर है, 18th रैंक पर है, 14th रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पर है, इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है टोटल एक लाइन है, एक लाइन में क्या है, यहाँ पर इस लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हैं, इस लाइन में कौन बैठा है, स्टूडेंट्स बैठे हैं। हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है जो राम है। देखिए अगर हमें लाइन दी हुई है सिंपल सिंपल, तो ये वाला एंड हम लेफ्ट मानेंगे, ये वाला एंड हम राइट मानेंगे, मतलब ये मानेंगे बायां और ये क्या मानेंगे हम, दायां। ठीक है, क्योंकि इसमें हम मानते हैं जो लाइन है उसमें जो बच्चे बैठे हैं वो उत्तर की तरफ फेस करके बैठे हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन दी जाती है तो बात अलग है, अगर अदरवाइज कुछ नहीं कहा है तो हम इसमें मानेंगे लेफ्ट एंड और ये राइट है। राम है, राम का जो लेफ्ट से प्लेस है, लेफ्ट से स्थान है सातवां, और राम का ही इसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी, सेम बंदा एक होगा, उसके लेफ्ट और राइट दोनों से अगर प्लेस आपको गिवन होंगे तो आपको टोटल स्टूडेंट्स बतानी है, उसी का दाएं से स्थान है बारवां। ठीक है, राम है लेफ्ट से सातवां स्थान है और दाएं से यानी राइट से ये क्या है, यहाँ पर राइट है, राइट से कौन सा स्थान है, बारवां। हमें क्या बताना है, टोटल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं, क्या बताना है, टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको याद रखना है, सेम बंदा होगा, सेम पर्सन होगा और उसका लेफ्ट और राइट दोनों से पोजीशन आपको गिवन होगी। तो अगर आपको यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, अगर आपको यहाँ पर क्या बताना है, टोटल बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, जो बंदा है उसकी आप लेफ्ट से पोजीशन देंगे, उसी बंदे की आप राइट से पोजीशन देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो पर्सन है उसका लेफ्ट से प्लेस लेंगे, राइट से प्लेस लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट से स्थान है सातवां और राइट से स्थान है बारवां, तो सात प्लस बारह कितना होता है, उन्नीस, और उसमें से एक माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, अठारह। तो अगर हम इस लाइन ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा जाता है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट्स होंगे हमारे अठारह। ठीक है, अब आप पूछोगे ये जो फॉर्मूला है ये कैसे बना, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आप डिटेल में समझ लोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो माइनस वन किया है हमने कैसे किया, अब देखिए ये लाइन है, राम जो है वो यहाँ लेफ्ट से तो बैठा है सातवें स्थान पर और वो राइट से बैठा है बारहवें स्थान पर। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो राम है उसकी पोजीशन दो बार काउंट कर ली, लेफ्ट से भी काउंट कर ली और राइट से भी यहाँ पर हमने काउंट कर ली, दो बार काउंट कर ली, तो एक हमें पोजिशन उसकी एक ही बार चाहिए, तो एक बार हम उसकी यहाँ पर घटा देते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, सात प्लस बारह माइनस एक मतलब अठारह, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए लाइन में, अठारह। ठीक है, समझ आया, चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं जो हमारा एग्जाम्पल है इस पर बेस्ड वो क्या है। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, सुदेश शीर्ष से सातवें स्थान पर और नीचे से अट्ठाईसवें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये हमें बताना है। अब देखिए जो हमें दिया हुआ है सुदेश, कौन दिया हुआ है, सुदेश, सुदेश की जो पोजीशन है वो ऊपर से भी दी हुई है और वो आपके नीचे से भी दी हुई है,
ऊपर से वो सातवें स्थान पर है, ये सुदेश है ऊपर से सातवें स्थान पर है और नीचे से 28वें स्थान पर है। आपको क्या बताना है, जो कक्षा है उसमें टोटल छात्र यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। आपका मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व होगा, ये यहाँ पर आपको टोटल लिखना है, ऊपर मतलब लेफ्ट मान लीजिए और नीचे मतलब राइट, ठीक है। ऊपर से सुरेश के ही यहाँ पर पोजीशन गिवन है, तो देखिए 7 + 28 - 1 मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो ये क्या हो जाता है 35 - 1 दैट मीन्स 34 यानी 34। तो जो क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 34 यानी टोटल 34 स्टूडेंट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सुरेश 39 यानी 39 स्टूडेंट्स की कक्षा में अशोक से 7 रैंक आगे है। ये क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे का है। अगर अशोक की रैंक अंतिम से 17वें स्थान पर है तो सुरेश की शुरुआत से रैंक क्या है। टोटल स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है, अभी तक हमें टोटल स्टूडेंट्स निकालने थे लेकिन यहाँ पर हमें गिवन है कितने हैं वो 39। अब देखिए सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, ये कोई लाइन है, ठीक है। आगे मतलब यहाँ पर, यहाँ से आगे कौन है, सुरेश आगे है अशोक से। यहाँ पर मान लीजिए अशोक बैठा है, ठीक है। अब हो भी सकता है वो लाइन के कॉर्नर पे हो, तो आप ये छोड़िए, आप सिंपल सिंपल मानिए अशोक। ये मैंने इसलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अशोक जो है सुरेश से, सॉरी अशोक से आगे है सुरेश, अशोक यहाँ है, अशोक से आगे कौन है सुरेश, कितनी रैंक आगे है 7 रैंक आगे है। अशोक से आगे 7वें स्थान पर क्या है सुरेश है। अब देखिए अगर अशोक जो है, ये जो अशोक है इसकी रैंक दी हुई है लास्ट से, अगर ये जो लाइन है लाइन के लास्ट से कौन सी जो है कौन सी प्लेस पर है 17वें स्थान पर है। अब ये देखिए लास्ट से ये 17वें स्थान पर है, हमें क्या बताना है जो सुरेश है यहाँ से इसकी पोजीशन आपको बतानी है क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, हमें दिया गया है सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे है, 7वें नंबर पर है। अशोक की लास्ट से रैंक आपके पास कितनी दी हुई है 17। आपको सुरेश की स्टार्टिंग से रैंक बतानी है, टोटल स्टूडेंट्स आपके 39 है। मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा, वो देखिए कैसे। मैंने आपको बताया था पर्सन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए और लेफ्ट राइट से पोजीशन गिवन गिवन हो सेम बंदे की। अशोक की स्टार्टिंग से पोजीशन आपको गिवन है, यहां से आप बता सकते हैं कितना होगा अशोक, बता सकते हैं 39। देखिए अब देखिए 39 टोटल है, लेफ्ट से हमें बतानी है राइट से कितनी है 17 है माइनस वन। अब देखिए ये जो 17 है इधर के माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 39 प्लस 1 कितना होता है 40 और ये 17 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 23। तो जो लेफ्ट से इसकी पोजीशन है ये क्या हो गई, ये हो गई 23, कितनी हो गई 23 हो गई। लेकिन अब ये जो सुरेश है ये क्या है 7 स्थान इधर पहले है किससे अशोक से, तो हम इसमें क्या करेंगे 7 माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर हम 7 माइनस करते हैं तो क्या जाएगा 16 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। हमने जो राइट लेफ्ट से प्लेस निकाला वो सुरेश का नहीं निकाला, वो निकाला अशोक का, क्यों, क्योंकि हमें सेम बंदे की जो प्लेस है लेफ्ट राइट से वो दिया होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें अभी हम आगे इंटरचेंज वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी वो कैसे जल्दी आपका सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक कक्षा में राज को 11वीं रैंक मिली और लड़कों की सूची में नीचे से 31वें स्थान पर रहा, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी और एक असफल रहा, वर्ग की कुल शक्ति क्या है, ठीक है। एक कक्षा है, एक क्लास में बच्चे थे पास हुए, मान लीजिए ये प्लेस है उनका,
अब देखिए 11वीं रैंक मिली, उसे ऊपर से 11वीं रैंक मिली, अगर ऊपर से उसको 11वीं रैंक मिली है दैट मींस पास बच्चों में मिली होगी ना, तो सफल हुए, ऊपर से मिली है ठीक है, और नीचे से कितनी मिली है, नीचे से मिली है उसको 31, जो पास हुए हैं बच्चे उसमें उसको 31 मिली नीचे से और ऊपर से 11। सेम बंदे की पोजीशन यहाँ पर हमें गिवन है, किसकी, राज की, यहाँ पर हमें राज की ही पोजीशन गिवन है। अगर हमें टोटल निकालना है, इस रो में कितने बैठे होंगे टोटल, हम निकाल लेंगे, अभी हमने सीखा था लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, मतलब 11 प्लस 31 42 और माइनस वन 41। क्या क्वेश्चन ये खत्म हो जाता है, नहीं, आपको इसमें एक लाइन और दी हुई है आगे, तीन लड़कों ने परीक्षा छोड़ दी, तो वे भी तो कक्षा में है, वे भी तो है क्लास में, ये नहीं पूछा कि कितने छात्र सफल हुए, हमसे पूछा है वर्ग की कुल शक्ति, मतलब कुल स्टूडेंट्स बताने हैं कितने हैं, और एक असफल रहा, तो ये कितने हो गए आपके, ये हो जाते हैं 45। तो जो क्लास है उसमें टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, 45 है ठीक है। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, अप्रोच करनी है। आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए रमेश, सॉरी 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू को दाई और तीन स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया तो वह दाहिने छोर से 8वें स्थान पर आ गया, पंक्ति में बाएं छोर से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था कि वो अशोक, सुरेश जो है अशोक के 7वें स्थान पर था, इसमें क्या कर दिया, उसको प्लेस खिसका दिया, क्या किया, जो प्लेस था किसका, यहाँ पर जो हमें राजू है उसका जो प्लेस है वो खिसका दिया गया है ठीक है। देखते हैं 15 बच्चे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमें कितने दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है 50 ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर गिवन है 50। अब देखिए जो राजू है इस लाइन में कहीं पर बैठा है हमें नहीं पता, लेकिन उसको दाएं और तीन स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया। सपोज कीजिए राजू यहाँ पर बैठा था, राजू कहाँ था, यहाँ पर था, उसको राइट और तीन स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया, मतलब उसको आगे भेज दिया तीसरे स्थान पर, पहले यहाँ था, अब वो कहाँ आ गया राजू, अब यहाँ आ गया, पहले यहाँ था, एक दो तीन तीसरे स्थान पर उसको स्थानांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए अब क्या गिवन है, वो दाहिने छोर से 8वें स्थान पर, अब वो राइट एंड ये वाला होता है, अब वो यहाँ से कौन से स्थान पर हो गया, 8th पर हो गया, कौन से स्थान पर हो गया, वो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, 8th स्थान पर हो गया। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 15, तो क्या हम लेफ्ट से उसका स्थान निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, लेफ्ट से हमें बताना है टोटल 15 है, राइट से उसका प्लेस 8 है माइनस वन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8। तो जो उसका लेफ्ट से स्थान है वो कितना है, लेफ्ट से वो 8वें नंबर पर है, अभी जो अभी उसकी पोजीशन है वो लेफ्ट और राइट दोनों से 8वें पर है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पंक्ति के बाएं यानी पंक्ति का बायां छोर है, लेफ्ट हैंड है, उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, तो 8 में से अगर आप 3 प्लेस वापस उसको यहाँ कर दोगे तो भी कौन से स्थान पर आ जाएगा, 5th पर आ जाएगा, 5th पर आ जाएगा, और यही क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन 14, 5, 6, 12, तो इसका आंसर होगा जो 5th है ये करेक्ट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, लॉजिक हमारा देखिए टोटल स्टूडेंट्स वाला ही लग रहा है, फॉर्मूला यही लग रहा है, बस आपको क्या निकालना है, लेफ्ट और राइट की पोजीशन निकालनी है सेम बंदे की, और माइनस वन यहाँ पर हमें करना है। अब देखिए आप बोलेंगे अगर क्लास में दो बच्चे हैं, एक यहाँ बैठा है एक यहाँ, सेम बंदा तो नहीं हुआ ना, मतलब जो लाइन है लाइन पर अगर ये इधर से 5th नंबर पर है ये वाला प्लेस, तो राइट से हमें इसी प्लेस का स्थान पता होना चाहिए, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट देखिए रमेश 33 छात्रों की कक्षा में 13वें स्थान पर है, सुरेश से नीचे रैंक वाइज 5 छात्र हैं, रमेश और सुरेश के बीच कितने छात्र हैं, ये हमें बताना है। अभी हमने
लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन और बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो देखा कैसे निकालते हैं। अभी हमें क्या दे दिया गया है, बीच में स्टूडेंट्स निकालने हैं कितने बैठे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी देखते हैं। मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसलिए दिए हैं ताकि आपको एग्जाम पे क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए रमेश, टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने दिए हुए हैं इसमें, टोटल दिया हुआ है 33। टोटल कितना है यहाँ पर, 33। ठीक है, अब देखिए कक्षा में 13वें स्थान पर है रमेश, लाइन है, रमेश क्या है 13वें स्थान पर है। ठीक है, सुरेश से नीचे, अब देखिए इसमें ऊपर नीचे वाली लाइन है, आप कंफ्यूज ना हो तो मैं ऊपर नीचे वाली लाइन ही बना देती हूँ। ये 13वें स्थान पर है, टोटल स्टूडेंट्स 33 हैं। अब देखिए सुरेश से नीचे रैंक वाइज 5 छात्र है, अगर सुरेश यहाँ पर है उससे नीचे 5 छात्र दिए हुए हैं, दैट मीन्स सुरेश 6 नंबर पर है। मेरे से आगे अगर दो बच्चे खड़े हैं तो मैं थर्ड नंबर पे तो हूँ, आप मुझे सेकंड नंबर पर नहीं बोल सकते। तो देखिए उससे नीचे 5 स्टूडेंट है तो वो कौन से स्थान पर है, 6 पर है। तो लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्या दिया हुआ है। अब हमें क्या बताना है, रमेश और सुरेश के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं। यहाँ रमेश है, यहाँ सुरेश है, इसका ऊपर से स्थान दिया हुआ है, इसका नीचे से। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेम प्लेस है, दोनों बंदे हैं, ये जो दो बंदे हैं इनका या तो ऊपर से प्लेस निकाल लेंगे या नीचे से निकाल लेंगे, मतलब दोनों बंदों का या तो ऊपर से निकालेंगे या नीचे से। अब हम क्या करते हैं, हमें सुरेश का नीचे से पता है तो हम रमेश का भी क्या करेंगे, नीचे से स्थान यहाँ पर निकाल देंगे। कंडीशन है ये इसकी, अगर हमें बीच से स्टूडेंट निकालने हो तो दोनों जो बंदे हैं जिनका निकालना है एक ही साइड से प्लेस निकाल दीजिए। अब अगर हम जो ये हमारा रमेश है इसका भी हम नीचे से निकालें तो 33 टोटल है, नीचे से हमें निकालना है, मतलब लेफ्ट से हमें दिया हुआ है, लेफ्ट राइट है जो भी अबव बिलो है, हमें बिलो से इसका निकालना है प्लस 1। 33 माइनस 13 प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ माइनस, प्लस 1 इज इक्वल टू बिलो से आ जाएगा हमारा, ये क्या आएगा 21। तो ये जो रमेश है इसका नीचे से स्थान क्या होगा, नीचे से स्थान होगा 21। अब देखिए सुरेश का नीचे से स्थान है 6 और रमेश का नीचे से स्थान है 21। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है 15, उसमें से भी एक माइनस करना है, क्या आ जाएगा 14। तो इनके बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 14। ध्यान से समझिएगा, जो दो बंदे जिनके बीच का हमें प्लेस निकालना है उनका नीचे से या ऊपर से एक साइड से प्लेस निकाल लीजिए, कहीं से भी सेम साइड होनी चाहिए, निकाल लिया सेम साइड से प्लेस निकाला। ठीक है, फिर क्या किया, उनका डिफरेंस कर लिया और डिफरेंस में से एक घटा दिया। अगर हम डिफरेंस में से एक घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए इसका रमेश का 21 था और सुरेश का 6 था, 21 में से 6 गया मतलब डिफरेंस निकाला 15, उसमें से एक माइनस किया क्या आ गया 14। तो जो लाइन है उसमें रमेश और सुरेश के बीच में कितने बंदे बैठे हैं, 14। लेकिन यहाँ पर अगर हमें टोटल स्टूडेंट्स पता होंगे तभी हमने रमेश का नीचे से स्थान निकाला है। अगर हमें टोटल स्टूडेंट सी ना देता, इसका प्लेस ऊपर से दे देता, इसका नीचे से दे देता और बोल देता कि इनके बीच में कितने बंदे हैं तो आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वहां पर ओवरलैपिंग भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरचेंज से, किससे है इंटरचेंज से, मतलब उनकी आपस में जो स्थिति है वो बदल जाती है बैठने की। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, मैं जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वो भी बताऊंगी और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक इसकी बनाई है वो भी आपको बताऊंगी। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वें स्थान पर और वीना दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, यदि वे अपनी स्थिति को बदल देती है तो कमला बाईं ओर से 25वें स्थान पर हो जाती है, पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, अब देखिए हमें किसका स्थान दिया हुआ है, कमला का लेफ्ट साइड से, कमला का स्थान लेफ्ट साइड से कौन सा है, 9वां, सॉरी कौन सा स्थान है, 9वां है। और जो वीना है, वीना का राइट से, वीना का
राइट से 16th दिया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या सोचा यार, आपस में प्लेस चेंज कर लेते हैं। यहां पर तो आपकी देखिए वीना आ गई और यहां पर कमला आ गई, ठीक है। अब जो आपका नया प्लेस दिया हुआ है कमला बाएं ओर से 25वें, अब देखिए कमला यहां आई तो कमला का जो बाएं ओर से लेफ्ट से जो आपका प्लेस दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है 25। एक चीज समझिएगा, जब आपका ये वाला जो प्लेस है लाइन है यहां से ये 16वें स्थान पर है, यहां से ये सपोज कीजिए यहां से ये 9वें स्थान पर है। अब यहां पर पहले वीना थी यहां कमला, अब यहां पर तो वीना आ गई यहां कमला, अब कमला का जो स्थान उन्हें यहां पर दिया हुआ है ये 25वां दिया हुआ है। तो ये जो सीट है इसका लेफ्ट और राइट दोनों से हमें प्लेस पता है, तो हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से स्थान इनका पता है दोनों का, सेम प्लेस का स्थान, इसी जो स्थान है ये पता है लेफ्ट और राइट से, तो टोटल हम निकाल सकते हैं 16 + 25 - 1, तो ये आपका कितना हो जाता है 41 - 1 यानी 40। हमें यही बताना था टोटल स्टूडेंट्स आपके लाइन में कितने बैठे हैं। समझ आया, इन्होंने प्लेस चेंज कर दिया तो ये अब राइट लेफ्ट से 25 हो गई। अब देखिए हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, इसमें आपका दो तरह से क्वेश्चन बनता है, या तो टोटल स्टूडेंट्स पूछ लेगा, या जो नया प्लेस है वीना है, वीना का आपका राइट से भी पूछ सकता है, तो वो भी हम बताएंगे कैसे। अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, कमला का स्थान दिया हुआ है नीचे, कमला का स्थान है 9 और वीना का स्थान है 16, ठीक है। ये तब पॉसिबल है लेफ्ट राइट, ये तब पॉसिबल है आपका लेफ्ट से स्थान दिया हुआ है राइट से दिया हुआ है, मतलब जैसे इसका लेफ्ट से दिया हुआ है इसका राइट से दिया हुआ है, या इसका राइट से दे देगा लेफ्ट से दे देगा, ऐसे ही तब ये पॉसिबल है। अब जो हमारा नया प्लेस है, देखिए वीना की जगह कमला आ गई, कमला की जगह वीना आ गई, चेंज हो गई। अब हमें कमला का जो स्थान है वो क्या हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये देखिए लेफ्ट राइट हो गए, मतलब ये दोनों अपोजिट हो गए। तो हमें अगर यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, हम क्या करेंगे, जो ये वाला है लास्ट वाला जो दोनों दिया हुआ है ये हमें नहीं पता, ये हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 16 + 25 - 1 मतलब 41 - 1 यानी 40। हमने क्या यहाँ पर कमला और वीना दिया हुआ था, इन्होंने प्लेस चेंज कर दिया, ये लेफ्ट था ये राइट, ये लेफ्ट दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट साइन के दिए हुए हैं, तभी ये वाली ट्रिक एप्लीकेबल है। जब हम दोनों अपोजिट के दिए हुए हैं प्लस करिए और एक हटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ऐसा ही है इंटरचेंज का। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाई ओर से 10वीं और विमला दाई ओर से 12वीं होते हैं। जब वे अपने स्थानों का आदान प्रदान करते हैं तो कमला बाई ओर से 16वीं हो जाती है, दाई ओर से विमला की नई स्थिति बताइए। अब इसमें नई स्थिति आपकी पूछी, तो हम पहले नॉर्मल मेथड से करते हैं इसको, ठीक है। लड़कियों की पंक्ति में कमला जो है बाई ओर से कौन से स्थान पर है 10वीं, और विमला जो है दाई ओर से कौन से स्थान पर है 12वीं, ठीक है। अब उन्होंने प्लेस चेंज कर लिया, यहाँ विमला आ गई और यहाँ पर आपकी कमला आ गई, ठीक है। अब कमला बाई ओर से 16, ये कमला है लेफ्ट से कौन सी हो जाती है 16 पर। अब देखिए विमला और ये क्या है, ये 12वीं है और ये 16वीं, तो टोटल स्टूडेंट्स हम निकाल सकते हैं कैसे, 12 + 16 - 1 यानी 28 - 1 यानी 27। टोटल स्टूडेंट्स आपके आ गए 27। अब हमसे क्या पूछा है, दाई ओर से विमला की नई स्थिति, देखिए विमला है इसकी राइट साइड से आपको नई स्थिति बतानी है, नई स्थिति बतानी है, तो आपको पता है टोटल स्टूडेंट 27 है, ये वाले जो लेफ्ट से जो प्लेस है वो 10वां है, तो आप राइट से निकाल सकते हैं कैसे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल है आपके 27, लेफ्ट से है 10 और राइट से आपको बतानी है माइनस 1, 27 में से 10 है 17 और 1 जोड़ेंगे 18, तो जो राइट से पोजीशन आई है आपकी वो कितनी आई है 18, तो आंसर होगा 18। समझ आया, हमें लेफ्ट से पोजीशन दी थी इस वाली की,
हमें राइट से पोजीशन निकालनी थी, टोटल स्टूडेंट हमें गिवन थे, तो माइनस करके हमने फॉर्मूले में लिख रख के निकाल दिया। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करें, देखिए आपकी कमला जो है उसकी स्थिति लेफ्ट से दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 10, और जो विमला है उसकी राइट से स्थिति दी हुई थी 12, ये दिया हुआ था आपको। अब नई जो आपको स्थिति दी है वो क्या है, कमला की नई, अभी उन्होंने प्लेस चेंज कर लिया, कमला की जगह विमला और विमला की जगह कमला। अब देखिए कमला की कौन सी प्लेस से आपको स्थिति यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर कमला आ गई, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है शायद, कमला बाई ओर से, ठीक है कमला यहाँ पर अब लेफ्ट साइड से आ गई, कौन से स्थान पर आ गई है, देखिए 16वें स्थान पर आ गई, नाम अपोजिट लेफ्ट राइट अपोजिट, ठीक है नाम अपोजिट लेफ्ट राइट अपोजिट आपने क्या करना है 12+16 करना है, 12+16 कितना होता है 28, उसमें से एक हटाएंगे आपका आंसर आ जाएगा 27, आगे आपका आंसर 27। लेकिन हमें तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स पता चले हैं, हमें विमला की स्थिति बतानी है, कौन से एंड से बतानी है राइट एंड से, फिर से ये अपोजिट नाम अपोजिट और लेफ्ट राइट अपोजिट हो गए। अब हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए यहां पर जो हम निकालेंगे क्रॉस में साइन लगाइए, ठीक है हमने क्रॉस में यहां पर क्या किया, क्रॉस में साइन लगाए, हमें विमला की बतानी है तो जो विमला के सामने है उसको लिखिए प्लस करिए, ये जो और जो दो बचे हैं विमला के सामने वाला लिख लिया, उसमें हम क्या प्लस करेंगे, ये जो दो बचे हैं आमने सामने के इनका डिफरेंस, इनका क्या करेंगे डिफरेंस हम यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 12+6 कितना हो जाता है 18, तो यहाँ पर आंसर आपका कितना आएगा 18, समझ आया। चलिए एक बार और बता देती हूँ ताकि आपके जो सारे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने कैसे किया, देखिए कमला की आपको स्थिति 10वीं दी हुई थी और विमला की 12, ये लेफ्ट से थी ये राइट से, अब इन्होंने प्लेस चेंज कर लिए, अब कमला की जो नई स्थिति दी हुई है वो लेफ्ट से, अब देखिए ये राइट है ये लेफ्ट है, अपोजिट है दोनों, नाम भी अलग अलग है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे और एक माइनस कर देंगे आपके टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें विमला का राइट से प्लेस बताना है, अगर हमें विमला का राइट से प्लेस बताना है, ये अगेन अपोजिट है, नाम भी अपोजिट है, तो कैसे बताएंगे, इनको क्रॉस में साइन लगाइए, हमें किसका बताना है विमला का, तो विमला बराबर इसके सामने कौन है 12, मतलब अपोजिट जो हमने क्रॉस में किया है साइन लगाई है, देखिए यहाँ पर कौन है 12 प्लस ये जो दो बचे हैं इनका डिफरेंस कर दीजिए 16-10 इज इक्वल टू 12+6 बराबर 18, तो कितने स्टूडेंट्स हो गए आपके 18, सॉरी स्टूडेंट्स नहीं, विमला की राइट से पोजिशन आपकी 18 हो गई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ RRB NTPC के लिए, JE के लिए, जो ब्लड रिलेशन है और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये थर्ड था, इसमें हमने आज ऑर्डर एंड रैंकिंग पढ़ा है, आगे मैं और भी वीडियोज अपलोड करूंगी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।